ये हमारा आ गया वुडन कैबिनेट अब ये जो वुडन कैबिनेट है इस वुडन कैबिनेट को आप कैसे चला रहे हो कांस्टेंट वेलोसिटी से कैसे चला रहे हो इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से चला रहे हो कब चला रहे हो जब इसको आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स लगाते हो एफ इक्वल टू टू हंड्रेड न्यूटन की जब इसको फोर्स लगाते हो तो इसकी जो वेलोसिटी आती है वो क्या होती है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी क्या आ रही है कॉन्स्टेंट तो आपको ये बोल रहा है कि ये फ्लोर ये फ्लोर और ये ब्लॉक का जो सरफेस दोनों कांटेक्ट में होंगे तो वहां पे फ्रिक्शन की फोर्स कितनी एक्सर्ट हो रही है इस कैबिनेट के ऊपर देखें ध्यान से हमें पता है जो फोर्स होती है फोर्स का काम होता है क्या करना चेंज स्टेट ऑफ मोशन फोर्स चेंज करती है स्टेट ऑफ मोशन को और

जीरो मतलब इसकी स्टेट चेंज ही नहीं हो रही है स्टेट कांस्टेंट रह रही है तो स्टेट कांस्टेंट रह रही होगी तो इस पर अगर नेट एक्सलेशन जीरो है तो एफ नेट कितना होगा नेट फोर्स कितनी होगी इसके ऊपर जीरो तो यहाँ पे इसको जो फ्रिक्शन की फोर्स कैबिनेट पे एग्जर्ट होगी वो कितनी होगी बराबर टू न्यूटन के बराबर तो अगर इसको अलग से हम देखें तो ये वुडन ब्लॉक बनाऊंगा यहाँ पे सिर्फ मैं ना कि ये फ्लोर नहीं बनाऊंगा तो वुडन ब्लॉक को इस डायरेक्शन में 200 फोर्स लग रही है और यहां पे इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन की फोर्स लग रही है एफ वो भी कितनी लग रही है टू तो दोनों फोर्सिस बराबर है तो इसकी नेट एक्सेलेशन नेट एक्सलेशन आ रही है जीरो क्योंकि एफ नेट जीरो है एफ नेट जीरो है तो अगर नेट एक्सलेशन जीरो है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी कांस्टेंट तो यहां पे हमारे पास जो आंसर आएगा तो फ्रिक्शन की जो फोर्स होगी वो होगी टू हंड्रेड न्यूटन यह आंसर आ गया हमारे पास